हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक और नया टॉपिक, जो कि है एडवर्टाइजिंग अपील के बारे में। अपील क्या होता है? अपील एक तरीके से एक स्टेटमेंट होता है जो कि सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करता है कि वो आपकी तरफ थोड़ा सा और झुके और आप जो कह रहे हो उसको मान ले। एडवर्टीजमेंट में कई बार आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं जिसको देख करके आपका दिल पिघल जाता है या फिर आप मोटिवेट हो जाते हो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से अपील होती है एक एडवर्टीजमेंट की। तो उसी एडवर्टीजमेंट अपील को आज यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एसेंशियल ऑफ अ गुड एडवर्टीजमेंट अपील भी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक एडवर्टीजमेंट अपील में होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। An advertisement appeal is a statement designed to motivate a person to act. एक advertisement appeal क्या है? एक statement है जो कि design किया गया है किस लिए? एक तरीके से किसी person को motivate करने के लिए कि वो उसके जो है अगेंस्ट कुछ एक्ट करे, या तो वो सामान खरीदे या फिर जो है उसके उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। द अपील विच द एडवर्टाइजर मेक यूजुअली फोकस द बाइंग मोटिव ऑफ द कंज्यूमर। जो अपील यूजुअली एडवर्टाइजर द्वारा की जाती है वो इस चीज़ पे फोकस होती है कि जो भी बायर है उसके जो मोटिव्स हैं उसको टारगेट किया जाए, उसको फोकस किया जाए ताकि वो उस सामान को ले सके। सो क्या होता है, अगर किसी चीज़ को लेकर के आप जो है कोई ऐसा पर्सन है जो हेल्थ को लेकर के ज़्यादा ध्यान रखता है तो आप उनको विटामिन्स के बारे में ज़्यादा बताओगे। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो हेल्थ को लेकर के है तो आपको पता है आपका जो है कौन जो है कि एक तरीके से टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आपको इस बारे में आइडिया है। सो आप उनको उस तरीके से अपील करोगे कि इसमें विटामिन्स ज़्यादा है, इसमें ये कंटेंट्स ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उनकी जो भी प्रेफरेंसेस है उसको देख करके आप उनको अपील करोगे। However, numerous appeal may be made of any product. जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आप कई सारी अपील कर सकते हो। ऐसा नहीं है एक मैसेज में एक प्रोडक्ट को लेकर के एक ही अपील की जाएगी, बल्कि एक से ज़्यादा अपील आप उसमें कर सकते हो। अब essential क्या है आपके good advertising appeal को लेकर के? इस must be communicative, यानी कि communicative होना चाहिए, सामने वाले तक उसके मैसेज पहुँचना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या है? एक तरीके से एक प्रोसेस है जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक या फिर कई सारे व्यक्तियों तक एक मैसेज या आपकी नॉलेज या फिर आपका क्वेश्चन जो है आप ट्रांसमिट करते हो, एक से दूसरे जगह तक देते हो। सो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जो भी आपका मैसेज है वो जो है सामने वाले तक सिंपल लैंग्वेज में पहुँचना चाहिए और उसको वो समझ आना चाहिए। एडवर्टाइजिंग अपील मस्ट सक्सेसफुली टेल व्हाट इट विश टू कन्वे। एज फार एज पॉसिबल द मैसेज मस्ट बी कम्युनिकेट इन अ सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज इट मस्ट हैव अ गुड थीम। एक अच्छी थीम होनी चाहिए जिससे लोग समझ सके कि ये क्या स्टोरी कन्वे करना चाह रहे हैं। अ गुड थीम मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग विच हैव्स टू बी टोल्ड टू द प्रॉस्पेक्टस। यानी एक ऐसी थीम होनी चाहिए जो कि सामने वाले व्यक्ति तक जो है ठीक तरीके से पहुंच सके। ओनली मीनिंगफुल वर्ड्स बिकम इफेक्टिव इन कन्वे द स्टोरी। सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल जो आपके वर्ड्स होते हैं वो एक तरीके से इफेक्टिव होते हैं स्टोरी को कन्वे करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप आ जाओ अबरकर डबरा पम करके चले जाओ पर सामने वाले को पता ही नहीं चला भाई ये बोल के क्या गया है या फिर इसका क्या मैसेज था। सो इसीलिए कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, गुड थीम होनी चाहिए कि उसको समझ में आए। इट मस्ट बी डिस्टिंक्टिव, यानी कि आप जो है उसको समझ सको, डिस्टिंक्टिव कर सको किसी नए प्रोडक्ट के साथ या दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ। शुड प्रेजेंट अ प्रोडक्ट इन अ डिस्टिंक्टिव वे। इट If it is a new product, then new alone makes it distinctive. तो यानी क्या है कि आप अगर आपका product नया है market में और आप कह रहे हो नया तेल, नया शैम्पू, नया कुछ ऐसा करके कि मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट है जो कि इस तरीके का है, चारकोल का टूथपेस्ट है या ये है, पहली बार मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आया है, तो ये क्या है, ये आपके प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी प्रोडक्ट से। तो इसलिए ये जो है थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव होना चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से दिखा सके। इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि जो है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, उस एडवर्टीजमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। जैसे आपने कई एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि अभी मैंने रिसेंटली एक आज ही एडवर्टीजमेंट देखी थी जहाँ पे वो कह रहा था वो वाइफ जो है उसकी बहुत सुंदर लग रही थी, काम कर करके थकी नहीं थी फिर भी खूबसूरत लग रही थी। तो उसने एक तरीके से क्वेश्चन पूछा कि यार तुम इतना करके भी थकती नहीं हो, इतना मतलब तुम्हारे चेहरे पे ग्लो है। तो ये क्या है, एक इंटरेस्ट पैदा किया गया। जो भी व्यक्ति इसको देख रहा होगा तो उसके दिमाग में एक इंटरेस्ट तो आया होगा कि हाँ भाई ये क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, क्या है जो उसके चेहरे पर अभी तक जो है
एक ग्लो आ रहा है। तो वो क्या है, ये इंटरेस्टिंग है कैसे, तो इस तरीके से जो है आपको अपने मैसेज को, अपील को इंटरेस्टिंग बना के रखना है, ताकि सामने वाले पर्सन जो भी लिसनर है या व्यूअर है, जो भी सुन रहा है या देख रहा है, या फिर अगर रीडर भी है, तो वो जो है इस तरफ अट्रैक्ट हो सके। सो दिस कैन बी डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। इट मस्ट बी बिलीवेबल, बिलीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया एक चम्मच जो है आप शहद डालो, दो दिन में पतले हो जाओगे, ऐसा नहीं। ऐसा मैसेज होना चाहिए, ऐसी अपील होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये सही है। क्योंकि कई बार जो है आप इतना ज़्यादा हाइप करके चीज़ें दिखा देते हो कि वो एक्चुअली में लगता है कि यार ये झूठ है। सो द मैसेज विच इज़ डाउटेड कैन नेवर बी इफेक्टिव। ऐसा मैसेज जिस पर डाउट हो रहा है सामने वाले पर्सन को, वो कभी भी सच नहीं हो सकता, वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। ओनली फैक्ट्स आर प्रेजेंट इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। जो आपके फैक्ट्स हैं वही आप जो है इंटरेस्टिंग मैनर में आप डाल सकते हो, तो जो है वो सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करेगा। इट मस्ट बी कंप्लीट, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। अब जो है लेट सपोज आपने जो है क्वेश्चन कर दिया कि भाई तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, क्या राज है तुम्हारी खूबसूरती का, और एडवर्टीजमेंट खत्म हो गई। आपको भी चार दिन तक समझ नहीं आएगा कि भैया ये था क्या, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं था। सो कंप्लीट मैसेज होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है, ये आपको ये बेनिफिट देगा। सो दैट मैसेज शुड बी, और दैट अपील शुड बी कंप्लीटेड, कि भाई जो भी आपकी अपील है कि ये प्रोडक्ट है या ये है, जो भी प्रोडक्ट है, वो मैसेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं आधा खत्म हो गया, खत्म नहीं, कि भाई हमारा बजट आधे का ही था तो हमने आधा ही बनवाया, नहीं। एन एडवर्टीजमेंट अपील शुड बी कंप्लीट एंड मस्ट नॉट बी सुपरफ्लोअस। तो ये क्या है, ये कंप्लीट होना चाहिए और सुपरफ्लोअस नहीं होना चाहिए। सच इन्फॉर्मेशन विच इज लाइकली टू कन्फ्यूज द प्रॉस्पेक्ट इन मेकिंग बाइंग डिसीजन शुड बी अवॉइडेड। ऐसा आपका जो है अपील नहीं होना चाहिए जो कि प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, और साथ ही साथ जो है वो ऐसे प्रोडक्ट को बाय करने के डिसीजन को अवॉइड करे। ऐसा भी आपका कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हो सकता है शायद एक दो दिन अभी तबीयत ऐसे ही रहे तो आवाज़ भी ऐसी ही रहेगी, सो कोशिश करेंगे थोड़ा और इसको बेटर करें, बट स्टिल तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।